सब्सक्राइब कीजिए मेरे YouTube चैनल ब्लॉगर दोस्त को। हाय गाइस, तो आज के ब्लॉग में हम जाने वाले हैं देहरादून की नंबर वन टूरिस्ट डेस्टिनेशन सहस्त्रधारा में, तो चलिए फिर चलते हैं। समर्स में आ जाता है, लेकिन आज हम देखते हैं कि विंटर्स में सहस्त्रधारा कैसा है। तो लेट्स सी दैट। अभी यहाँ पर ज्यादा नहीं आए क्योंकि ठंडी का मौसम है, इसलिए यहाँ पर अभी ज्यादा भीड़ नहीं लगी है। यहाँ गर्मियों के मौसम में बहुत सहस्त्रधारा पे आएंगे तो नहाए बगैर रह नहीं सकते। ये देखिए, काफी ठंड में भी देखिए लोग नहा ही रहे हैं यहाँ पर। देखिए सहस्त्रधारा आए और ना नहाए ऐसा हो नहीं सकता। देखो आने जाने वाले सारे साथ खड़े हैं, कभी ना कभी मैंने भी तो ऐसे वैसे ख्वाब देखे हैं। हम तो आस पास सांस थमे और रात साथ बात करे क्यों ना। जोर से, जोर से करो। ये आप देख सकते हैं कि रोपवे की सर्विसेज आज बंद है, शायद कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है ऊपर, नहीं तो काफी भीड़ रहती है यहाँ पर। और खाने पीने के लिए भी यहाँ पर रेस्टोरेंट की कोई कमी नहीं है, होटल एंड रेस्टोरेंट की फैसिलिटी बहुत है यहाँ पर। वैसे तो गाइस यहाँ पर ठहरने के लिए काफी सारे होम स्टेस और होटल्स हैं, लेकिन अगर आप एक सस्ता ऑप्शन चाहते हैं तो आपको ये गढ़वाल मंडल विकास निगम के द्वारा पर्यटक आवास गृह ही मिल जाएगा, जहाँ पे आप काफी किफायती दरों पर रुक सकते हैं। यहाँ पर ये देखिए गंदक का पानी जो काफी सारे स्किन डिजीज को क्योर करता है, और यहीं से लोग लेके जाते हैं पानी को। ये देखिए गंदक का पानी भरते हुए, और काफी दूर दूर से लोग आते हैं, और मान्यता है कि इससे सारी स्किन डिजीजेस क्योर होती हैं। और देखिए काफी दूर दूर से आ रहे हैं।
आइए इस तरफ लेके चलता हूँ आपको। देखिए जूते मैंने अपने यहीं पे उतार दिए, गीले हो जाएंगे और चलते हैं हम ऊपर। काफी फिसलन है यहाँ पर, समझ के आइएगा। ये देखिए यहाँ पर एक केव भी है और ये सारा पत्थरों से पानी आ रहा है। देखिए शायद गंदक का पानी भी हो सकता है। ये देखिए मंदिर से आ चुके हैं और अंदर की क्लिपिंग लेना मना था, वहाँ पर वीडियोग्राफी करना, तो वो तो हो नहीं चुका, लेकिन ये देखिए टीका लग चुका है और मंदिर से हम आ चुके हैं।